మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి. వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ వైభవ్ అడ్వాన్స్ లెర్నింగ్. देखिए, वैभव एडवांस लर्निंग मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है. आज के वीडियो में हम बहुत अच्छी चीज़ें सीखने वाले हैं. इससे पहले कि हम जानना चाहते हैं कि हमारा वीडियो आपके लिए कितना यूजफुल हो रहा है, ये हमें तभी पता चलेगा जब आप कमेंट में हमें बताएंगे. ये हमें जानने की बहुत इच्छा है, क्योंकि अगर हम यहाँ कुछ बता रहे हैं और वो बातें आप तक ना पहुँच पाएँ तो हमारा ये सारा परिश्रम क्या है, बेकार है. सारा मेहनत क्या है, बेकार है. इसलिए हम जानना चाहते हैं कि हमारी बातें आप तक पहुंच पा रही हैं कि नहीं. अगर पहुंच पा रही हैं तो ठीक है, नहीं पहुंच पा रही हैं तो क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं, उस पर एनालिसिस करके और इम्प्रूव करके करने का प्रयास करेंगे ताकि हमारी बातें आप तक अच्छे तरीके से पहुँच जाए. ठीक है, हमारा प्रयास बस यही है कि अच्छे से अच्छा आपको नॉलेज हो, कंपटीशन बीट करें. बीट करने के बाद, नौकरी पाने के बाद हमें यहाँ पे याद रखें. इसलिए जो बच्चे घर पे हैं जिन और वो पढ़ नहीं पा रहे हैं ड्यू टू कोरोना, उनके लिए हमारा ये अभियान है. आप लोग इसको हमारा साथ दें ताकि ये आगे इसी तरह से बढ़ता जाए. ठीक है, तो हम आज बताने वाले हैं आपको कि जब रेसिस्टेंस के एरिया पर इफ़ेक्ट डाला जाए, मतलब या तो रिड्यूस करके या तोड़कर, छीलकर, कैसे भी, तब उसके रेसिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा. देखिए, वन क्वेश्चन हैज बीन गिवन बिफोर यू दैट व्हेन द एरिया ऑफ ए क्रॉसेक्शनल ऑफ ए कंडक्टर इज डबल्ड देन इट्स रेसिस्टेंस बिकम्स. यह कहा जा रहा है कि कोई कंडक्टर है, ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दो गुना हो जाता है. कोई कंडक्टर है, यहाँ पे देखिए, ये कोई कंडक्टर है, उसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाता है, डबल्ड, दो गुना हो जाता है. देन तब इसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हमें बताना है. देखिए, अगर यही प्रश्न इस तरह से पूछता कि कोई कंडक्टर है और बाय स्ट्रेचिंग के द्वारा इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया पर इफेक्ट आ रहा है, तब उसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं. ठीक है, वैसे खींचने से तो कभी भी एरिया बढ़ेगी नहीं. कभी भी कोई भी कंडक्टर है, जब उस पर आप खींचेंगे तो उसका लेंथ बढ़ेगा, उसका एरिया कभी नहीं बढ़ेगा, ये समझ लीजिए. ठीक है, इसका एरिया बढ़ गया है, डबल्ड हो गया है, दो गुना हो गया है. एक तरीका है क्या, कि मान लीजिए आपका वायर लंबा वायर था, उसको काट दिए और काट के दोनों को नीचे ऊपर लगा दिए, तब एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और लेंथ क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. मतलब इस तरह का कोई कंडीशन दे दे कि काट करके जोड़ा गया है या खींचा गया है, तब वो दूसरे तरीके से सॉल्व होगा. लेकिन जब ये बातें नहीं कही जाएँ, आपको डायरेक्ट ये कहा जाए कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया दो गुना हो जाता है तो रेसिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये बहुत ही आसान है. इस तरह का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना हो तो ये बहुत ही आसान है. अब फार्मूला तो हमने आपको बताया ही था. फार्मूला हमने आपको क्या बताया था, आर बराबर रो एल बाई ए. ठीक है, और ये कह रहा है इसका एरिया जो है डबल हो गया. देखिए, मान लीजिए अब इसका रेसिस्टेंस आर डैश हो गया, तो यहाँ रो एल बाई कितना हो गया, टू ए हो गया. ठीक है, कितना हो गया एरिया, टू है, डबल टाइम्स हो गया. तो बाकी किसी चीज़ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, केवल एरिया इसका डबल टाइम्स हुआ है. यहाँ वन बाई टू, यहाँ रो एल बाई ए है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. यहाँ देखिए, और वो एल बाई का वैल्यू कितना है, आर. यानी कि अब जो रेसिस्टेंस होगा वह शुरुआती रेसिस्टेंस का कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. ठीक है, तो अगर मान लीजिए ऐसा कहा जाए कि अगर स्टार्टिंग में रेसिस्टेंस आपका 12 ओम है,
ठीक है। और जब हम इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को दो गुना कर दें तब इसका रेसिस्टेंस कितना होगा, तो 1/2 इंटू आर आर मतलब 12 कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ हाफ हो गया तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें कोई कंडीशन ना दिया हो कि इसको स्ट्रेच किया गया हो या इसको काट कर जोड़ा गया है, तो हम सिंपली इस फार्मूला का यूज करके इस तरह के क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप इसको देख लीजिए, 2 मिनट का टाइम देते हैं आपको। हाँ तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप देखिए, यहाँ पे स्ट्रेचिंग के लिए कह रहा है, इसमें स्ट्रेच्ड हुआ है मतलब खींचा गया है वायर को। ए पीस ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एक टुकड़ा इज स्ट्रेच्ड टू रिड्यूस इट्स डायमीटर टू हाफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, देन इट्स रेसिस्टेंस विल बी कम। ये कह रहा है इस क्वेश्चन में कि एल्यूमिनियम का एक वायर है और उसका डायमीटर खींच कर आधा कर दिया गया। मान लीजिए ये स्टार्टिंग में ये आपका एल्यूमिनियम कंडक्टर था, अब इसको खींच दिया गया, खींचने से तो लंबाई बढ़ जाएगी ना, जाहिर सी बात है इसकी लंबाई क्या हो गई, बढ़ गई। मान लीजिए ये आपका A1 था और ये आपका क्या हो गया, A2 हो गया, ठीक है। मान लीजिए ये आपका डायमीटर कितना था, D, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया गया, D/2 कर दिया गया, ठीक है ना। तो आप यहाँ देखिए, अब डायरेक्ट यहाँ पे R बराबर रो L बाई A ये वाला फार्मूला आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे एरिया और लेंथ दोनों इफेक्टिव हो रहा है क्वेश्चन में। तो आपको केवल दे दिया है डायमीटर चेंज हो रहा है, लेकिन अगर आप देखें स्ट्रेचिंग से दोनों इफेक्टेड हो रहे हैं। जब एरिया और लेंथ दोनों इफेक्टेड होते हैं तब वहाँ हम वैल्यूम वाला फार्मूला लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि वैल्यूम उस कंडीशन में क्या होती है, सेम होती है। अब यहाँ देखिए यह कहा क्या रहा है, आप ये जानते हैं एरिया ए बराबर क्या होता है, हमें इस क्वेश्चन को रिमूव करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम इसको विधिवत सवाल लगाते हैं इसका, ठीक है। यहाँ पे एरिया ए बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और आर बराबर आप क्या जानते हैं, आर बराबर आप जानते हैं कि क्या होता है, D/2 होता है। तो यहाँ पे D/2 पुट कर देंगे स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, π D² / 4 हो गया, ठीक है। ये आपका एरिया होता है। मान लीजिए यार डायमीटर D था तो एरिया क्या था, A1 था, अब डायमीटर D/2 हो गया, तो मान लीजिए अब एरिया क्या हो गया, A2 हो गया, कितना हो गया डायमीटर, यहाँ पे D/2 हो गया अपान 4 हो गया। इसको आप सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, π D² / 4 × 4, क्योंकि अभी 4 नीचे आ जाएगा, या लिख सकते हैं π D² यहाँ पे 1/4 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पे सिंपली 4 यू कैन पुट हेयर 1/4 π D² / 4 के यहाँ क्या पुट कर सकते हैं, आप A1 पुट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा A1/4। इस प्रकार आप क्या देखें कि जब आप डायमीटर को रिड्यूस कर रहे हैं, तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो भी रिड्यूस हो रहा है। अगर आप हाफ रिड्यूस कर रहे हैं डायमीटर तो एरिया 1/4 रिड्यूस हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, एरिया 1/4, यानी कि आपको A2 तो मिल गया। आप देख रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ लेंथ L1 है, यहाँ लेंथ L2 हो गया बाय स्ट्रेचिंग, तो आपको L1 तो नहीं निकालने की जरूरत है, आप जिस तरह से A2 निकाले उसी तरह से L2 निकालेंगे कि L2 L1 पे किस प्रकार क्या डिपेंड है, L2 की वैल्यू L1 से कितना है। तो L2 जब तक नहीं निकालेंगे तब तक आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं, तो हमको L2 निकालना है। तो फॉर L2 L2 के लिए हम क्या लिखेंगे, A1 L1 = A2 L2, ठीक है, क्यों, क्योंकि वैल्यूम जो होगी वो क्या होगी, वैल्यूम सेम होगी, ठीक है, वैल्यूम में कोई चेंजिंग होगा नहीं। तो यहाँ आप क्या देखेंगे, इसको हम हटाते हैं, यहाँ आप क्या देखेंगे, अब A1 L1, यहाँ पे A2 कितना हो गया, A1/4 हो गया, यहाँ L2, A1 से A1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अगर आप L2 निकालें तो कितना हो जाएगा, 4L1। तो आपने क्या देखा कि जो लेंथ है वो 4 टाइम्स हो गया,
और जो आपका ये एरिया है वो 1/4 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो L2 और A2 की वैल्यू दोनों निकल गई। अब आप क्या जानते हैं, यहाँ पे कल मैंने बताया था R1/R2 और इनका फार्मूला लिखें तो रो L1/A1 डिवाइडेड बाय रो L2/A2, तो रो से रो कैंसिल हो गया, यहाँ क्या हो गया L1/A1 ये ऊपर जाएगा A2/L2, ठीक है। अब एन आई पुटिंग द वैल्यू ऑफ L2 एंड A2 गेट द आंसर। अब यहाँ A2 और L2 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, R1/R2 इज इक्वल टू L2 बराबर क्या हो जाएगा L1/A1 इंटू A2 की वैल्यू क्या है A1/4, यहाँ पे L2 की वैल्यू क्या है 4L1, ठीक है। यहाँ L1 से L1 कैंसिल हो गया, A1 से A1 कैंसिल हो गया, यानी कि R1/R2 इजकल टू कितना हुआ 1/16। तो यहाँ से अगर R2 आप निकालेंगे तो R2 बराबर मिलेगा क्या 16R1, कितना मिलेगा 16R1, ठीक है। यानी कि जो रेसिस्टेंस अब हो गया वो कितना हो गया 16 टाइम्स हो गया, कितना टाइम्स हो गया 16 टाइम्स हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आप थोड़ा सा क्वेश्चन अगर स्ट्रेचिंग शब्द ला देगा तब आपको इस तरह का पूरा फार्मूला यूज करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर क्या होगा सही हो पाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे डायमीटर कहा था, क्या कहा था, डायमीटर कहा था कि चेंज हो रहा है, डायमीटर रिड्यूस हो रहा है 1/2, तब आपने क्या देखा एरिया कितना हो गया 1/4, एरिया कितना हो गया 1/4 हो गया। तो अब इस पर फार्मूला कैसे बनेगा हम नेक्स्ट बताते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार आपने क्या देखा यहाँ पे कि जो आपका रेसिस्टेंस है R2 वो 16 टाइम्स हो गया, कितना टाइम्स हो गया 16 टाइम्स, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका क्या था सही था, ठीक है। तो अब आप तो अच्छे तरीके समझ में गए होंगे कि डायमीटर डायरेक्टली चेंज करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब एरिया, और जब आप रिड्यूस कर देंगे खींच करके आप डायमीटर रिड्यूस करेंगे तब कैसे सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आ गया। हम इस पर एक फार्मूला बनाने जा रहे हैं, जैसे रेसिस्टेंस का हमने बनाया था कि अगर लेंथ को n टाइम्स हम जो है बढ़ा देते हैं, उसके लेंथ को खींच करके n टाइम्स बढ़ा देते हैं तो उसका रेसिस्टेंस R2 = n² R1 बन जाता है। तो इसी टाइप का हम एक फार्मूला आपके सामने वेरीफाई करने जा रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं, आप उसको ध्यान दीजिए ताकि अगर आपसे कोई डायरेक्टली पूछे कि खींच करके एरिया को 2 गुना रिड्यूस कर दिया गया, 4 गुना रिड्यूस कर दिया, डायरेक्ट फार्मूला में वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम जो है इसी पर चल रहे हैं आपको बताने, फार्मूला को वेरीफाई करने, ठीक है। तो इसको ध्यान से हमारी बातों को समझिएगा, ठीक है। मान लीजिए यह कहा जाए कि एरिया जो है n टाइम्स रिड्यूस हो रही है, ठीक है। ये बताया जाए कि एरिया कितना रिड्यूस हो रहा है n टाइम्स रिड्यूस्ड हो रहा है एरिया, यानी कि जो आपका A2 है वो n A1 हो रहा है, ठीक है। N2 कितना हो रहा है n A1 हो रहा है। तो अब इसी के अकॉर्डिंग अब हम L2 निकालेंगे कि L2 का तब मान कितना हो रहा है। L2 का मान कैसे निकालेंगे, A1 L1 बराबर A2 L2। हमने कल के वीडियो में बताया था कि अगर आप तार को खींचें, लंबा करें, चाहे जैसा परिवर्तन करें, आप परिवर्तन करेंगे तो उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगी। मैंने इसका एग्जांपल भी दिया था कि अगर आप मान लीजिए एक रबड़ की बाल्टी ले लीजिए, उसमें 1 लीटर पानी रख लीजिए या उसको आप बाल्टी को खींच दीजिए तो उसमें 2 लीटर नहीं आएगा, फिर भी 1 ही लीटर आएगा, ठीक है ना। तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो यहाँ से अब A2 की वैल्यू पुट करें तो A1 L1 बराबर A2 क्या है n A1 L2। तो यहाँ से आप देखेंगे A1 से A1 कट जाएगा, यानी कि L2 बराबर क्या हो जाएगा L n हो जाएगा, ठीक है। यहाँ L2 की वैल्यू निकल गई और A2 की वैल्यू मालूम ही है। अब इस फार्मूला में हम पुट करेंगे R1/R2, यहाँ रो से रो कैंसिल है था तो क्या था आपका L1/A1 गुड़े A2/L2। तो आपको मिला क्या, यहाँ पे L1/A1 इंटू A2 की वैल्यू कितनी है n A1 और L2 की वैल्यू कितना है L1/N, ठीक है। तो यहाँ L1 से L1 कटा, A से A1, ये n ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा n² हो जाएगा,
ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका आर वन बट्टे आर टू इजिकल टू एन स्क्वायर है, कुछ नहीं है तो वन मान लेंगे। तो अगर एक क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, आर टू इंटू एन स्क्वायर बराबर आर वन, यानी कि आर टू अगर आप निकालेंगे तो वन बाई एन स्क्वायर इंटू आर वन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसका पहले वाले क्वेश्चन को हम इस फार्मूले पर प्रयोग करके लगा करके आपको दिखा देते हैं कि कैसे ये जो है सॉल्व हुआ है। ठीक है, देखिए कैसे हुआ है। इसका जो पहले वाला फार्मूला, यही फार्मूला आपको याद करना है। अगर खींच करके एरिया को रिड्यूस कर किया जा रहा है तो यही फार्मूला आपको पुट करना है। ठीक, देखिए कैसे कहा जा रहा था उसमें कि जो उसका डायमीटर था वह कितना हुआ था, एक बट्टे टू। तो जो आपकी एरिया हुई थी ए टू जो हुआ था वह कितना हुआ था, वन बाई फोर हो गया था एरिया। एरिया कितना गुना हो गया था, वन बाई फोर हो गया था। तो सीधे इसमें वन बाई फोर पुट कर दीजिए, वन बाई फोर का होल स्क्वायर इंटू आर वन, ये सीधे कितना जाएगा, सिक्सटीन। सिक्सटीन ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा, सिक्सटीन आर वन। तो डायरेक्ट आपने क्या देखा, इस छोटे से फार्मूले का प्रयोग करके उतना बड़ा कैलकुलेशन क्या हो गया, ईजी हो गया। ठीक है, जब क्रॉसेक्शनल एरिया किस तरह से स्ट्रेचिंग की बात करेगा तो आप ये फार्मूला जरूर रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, तो आपको ईजिली सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, आपसे मान लीजिए अगर डायरेक्टली पूछ है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या देख लीजिए, हम इसको अब रिमूव करने जा रहे हैं। ठीक, देखिए ये फार्मूला आप याद रखिए, आर टू बराबर एक बट्टे एन स्क्वायर आर वन। ठीक है, अगर आपसे ये पूछे कि तार को खींच करके स्ट्रेचिंग कर करके उसका जो क्रॉसेक्शनल एरिया था उसकी हमने क्या कर दिया, वन बाई टू टाइम्स कर दिया, उसकी खींच करके उसको कितना एरिया रिड्यूस कर दिया, वन बाई टू। तो यहाँ वन बाई टू पुट कर देंगे, ठीक है ना, कितना पुट कर देंगे, वन बाई टू यहाँ पुट कर देंगे, तो आपको कितना रेसिस्टेंस होगा वो आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि एरिया कितनी रिड्यूस हो रही है, उसी को यहाँ पे क्या कर देना है, पुट कर देना है और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये कह दिया है कि स्टार्टिंग में एक एल्यूमिनियम वायर है, इसका स्टार्टिंग में रेसिस्टेंस कितना है, 20 ओम है। ठीक है, अब बाई स्ट्रेचिंग किया क्या गया है, इसमें स्ट्रेचिंग किया गया है और स्ट्रेचिंग करके इसकी एरिया को कितना कर दिया गया है, वन बाई फोर ए वन कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है, वन बाई फोर ए वन कर दिया गया। तो अब इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, कैसे आप निकालेंगे, बहुत सिंपल है। अब इसका रेसिस्टेंस आर टू क्या होगा, इसी फार्मूले से। तो यहाँ पे कितना कर दिया गया है, वन बाई फोर कर दिया गया, तो वन बाई फोर पुट कर देंगे, आर वन की जो वैल्यू है यहाँ पुट कर देंगे, तो क्या 16 इंटू 20, तो कितना हो जाएगा, 320 ओम। ठीक है, क्या हो जाएगा, 320 ओम। जाहिर सी बात है रेसिस्टेंस आपका, जब आप एरिया कम करेंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ना ही बढ़ना, आर बराबर रो एल बाई ए। यहाँ से देखिए, जब एरिया कम होगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ना ही बढ़ना। ठीक है ना, अगर मान लीजिए ये कह दिया जाए, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम बताते हैं। ठीक, तो इस तरह से आप फार्मूला का प्रयोग करके आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को इजी कर सकते हैं। मान लीजिए ये कहा जाए, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक वायर है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक वायर है और इसको क्या किया गया, काट करके, इसको काट करके और नीचे फिर लाकर जोड़ दिया गया है ऐसे। फिर क्या किया गया, काट करके ऐसे इसी को इसी के साथ क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप इसकी लेंथ सीधे
आधा हो गई, जितना काटे हैं आप उसी से अनुसार काटे हैं, ठीक है, बिल्कुल मान लो बराबर में काट के किया गया, तो लेंथ इसकी कितना हो गई, आधा हो गई। लेकिन इसका जो एरिया अब जो हो गया वो 2a1 हो गया, कितना हो गया 2a1 हो गया। अब पूछे कि टोटल इस वायर का रेसिस्टेंस अब क्या होगा, तो अब बहुत ईजी मान लीजिए a1 था तो a2 a1 हो गया, क्योंकि आधा काट करके जोड़े हैं, तो आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं r2 बराबर n स्क्वायर r1, तो कितना हो गया 2 हो गया इंटू r1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4r1, यानी कि r1 बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये कह देता कि r1 का मान मान लीजिए ये कह देता कि 100 ओम था, ठीक है, तब r2 बराबर क्या होगा, तो इसी r1 को वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, r1 बाई 4 कितना हो जाएगा 25 ओम हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब रेसिस्टेंस 100 था, 25 हो गया, ज़्यादा था कम हो गया, तो इसको आप कैसे जानेंगे कि जब आप एरिया यहाँ बढ़ा रहे हैं तो फार्मूले में से तो हम बताए थे रो एल बाई ए, जब एरिया आप बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो हम मिटाते हैं अब इसको आप देख लीजिए, हाँ तो देखिए इसको आप दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ रेसिस्टेंस r/2 था, यहाँ रेसिस्टेंस r/2 हो गया, तो इसको आप पैरेलली कनेक्ट कर दीजिए r/2 r/2, ठीक है। अब इनके बीच एक कोवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल दीजिए, तब भी तो आपका हो जाएगा, जितने पार्ट में काटा गया लाकर जोड़ा गया तो इसी तरह से ना रेसिस्टेंस कनेक्ट होंगे। तो अगर आपको मान लीजिए एक कोवेलेंट रेसिस्टेंस RT है, तो 1/r1 + 1/r2 यही तरीके बताए थे ना, तो 1/ यहाँ क्या हो जाएगा r/2 + 1/r2, ऐसे होगा ना 1/RT, तो ये 2 ऊपर जाएगा 2/r + 2/r, यानी कि 4/r, तो RT बराबर क्या हो गया r/4। बस आपने क्या देखा, एक दूसरे मेथड से भी आप सॉल्व करेंगे तब भी आपका टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा r/4 होगा, और मेरे फार्मूले से आप सॉल्व करेंगे तब भी आपका रेसिस्टेंस कितना होगा r/4 होगा। मेरा फार्मूला क्या था, r2 = 1/n² r1, तो क्या किया गया है, 2 times एरिया को 2 times बढ़ाया गया है, तो यहाँ 2 का स्क्वायर किए थे तो r1 हो गया, यानी कि तब भी r1/4 आया था, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। इतना ही नहीं है, कह दिया जाता कि कोई कंडक्टर है और उसको 5 times जो है काट करके और उसको क्या किया गया है, नीचे ला करके जोड़ा गया है, तब उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, 5 times 6 times 2 times 3 times कितना हो टाइम्स करें, आप इसी तरह से उसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए मैं आपके सामने इसको रख रहा हूँ, ठीक है, ओके। आप इसको देख लीजिए, देखिए बच्चों अब इस तरह का सवाल आपके सामने आया है, इफ द डायमीटर डी ऑफ ए कंडक्टर इज डबल्ड देन इट्स रेसिस्टेंस आर विल बी रिड्यूस्ड टू। ये तो सिंपल सी बात है कि जब आप डायमीटर आप बढ़ाएंगे तो एरिया बढ़ेगी, जब आप डायमीटर बढ़ाएंगे रो एल बाई ए, जब आप डायमीटर बढ़ाएंगे तो आपकी एरिया बढ़ेगी, जब एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस रिड्यूस होगा। अगर ऑप्शन में कन्फ्यूज क्रिएट करने के लिए ये भी दे देता है इंक्रीज्ड 1/60 time, इंक्रीज 60 time, इंक्रीज 4 time, रिड्यूस्ड और इंक्रीज दोनों दे देता है, तो इंक्रीज वाले पहले ही कैंसिल आउट कर दीजिए, क्योंकि जब एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, घटेगा ही। अब कितना घटेगा, किस तरह से घटेगा, ये हमें जानना जरूरी है। तो हम जो है डायमी मान लीजिए ये आपका पास क्या है, एक कंडक्टर है, इसका डायमीटर क्या है, टोटल डायमीटर क्या है डी है, तो इसके रिलेशन में हम रेसिस्टेंस निकालते हैं, तो आर बराबर क्या होता है रो एल बाई ए होता है, या तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ पे रो एल बाई ए हो गया, यहाँ आप सीधे ए की वैल्यू पुट करिए π d² / 4, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा 4 rho l / π d², तो ये आपके डी के रिलेशन में डायमीटर के रिलेशन में रेसिस्टेंस का क्या हो गया, फार्मूला हो गया। एक कंडक्टर का डायमीटर रेसिस्टेंस के क्या होता है, स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब रेसिस्टेंस डायमीटर के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यहाँ अब ये कह क्या रहा है, कंडक्टर का डायमीटर डबल्ड हो गया, मान लीजिए अब रेसिस्टेंस कितना है r' हो गया, तो यहाँ रो एल बाई डी, डायमीटर क्या हो गया डबल हो गया, तो यहाँ 2d² कर दीजिए, तो 4 rho l
अब पाई यहाँ 4 बाहर कर दीजिए, डी स्क्वायर, कभी 4 को 4 काटने की गलती मत करिएगा, आप इसको ऐसे का जस का तस रहने दीजिए, ठीक है। तो 1/4 इंटू 4 रो एल अपन पाई डी स्क्वायर। अब इसके जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, R1 जो शुरुआत का रेसिस्टेंस है, स्टार्टिंग का रेसिस्टेंस है। तो आपने क्या देखा कि रेसिस्टेंस कितना हो गया, 1/4 टाइम्स हो गया, रेसिस्टेंस कितना हो गया, 1/4 टाइम्स हो गया। तो इस तरह से आपका क्या है, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए स्टार्टिंग रेसिस्टेंस R1 था तो सब ये क्या हो जाएगा, R1 हो जाएंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमको आशा है कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अब हम इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रहे हैं जिसको आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब इसको हम हटाते हैं, रिमूव करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Now I am going to remove it. हाँ दबाऊ ये क्वेश्चन, आप ध्यान से देखिए इसमें क्या है, दोनों चेंज हो रहा था। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया जब लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जब आप लेंथ को खींच कर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस वीडियो में मैंने बताया कि जब आप एरिया को घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जब आप एरिया को खींच करके घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जब आप डायमीटर को चेंज करेंगे तो रेसिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन यह जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है आप लेंथ और एरिया दोनों को चेंज करने पर रेसिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको बिल्कुल ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजिली, ओनली पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर इन दिस क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी शैल हैव टू यूज द फार्मूला ऑफ आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, देन हियर द गिवेन वैल्यू, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यू कैन राइट हियर इजली गिवेन वैल्यू, गिवेन वैल्यू मतलब दिया गया मान, क्या क्या दिया गया है कि स्टार्टिंग का जो रेसिस्टेंस था वो कितना 8 ओम था, यानी कि जो भी रेसिस्टेंस की वैल्यू है वो कितना है 1 ओम है या 8 ओम है। तो यहाँ देखिए एल और ए दिया हुआ है, लेंथ आपका स्टार्टिंग में कितना था, देखिए कह रहा है ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ए हैज ए रेसिस्टेंस ऑफ 8 ओम। ये कह रहा है कि ये कंडक्टर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और इसका लेंथ एल है और इसका रेसिस्टेंस कितना है 8 ओम है। इतनी बातें कही गई हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू कैन राइट दैट गिवन वैल्यू आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, देन यू कैन राइट दैट हियर 8 ओम इज इक्वल टू रो एल बाई ए, वेरी इजिली यू कैन राइट हियर, आप इसको लिख सकते हैं 8 इज इक्वल टू रो एल बाई ए, दिस इज इक्वेशन 1। अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अब दूसरे कंडीशन के अनुसार हम क्या देखेंगे, व्हाट वुड बी द रेसिस्टेंस ऑफ एनादर वायर ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग लेंथ एल बाई टू एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल 2a। तो हमें दूसरे का रेसिस्टेंस इसी मटेरियल का, हमें मटेरियल क्या है सेम है, यानी कि उसकी रेसिस्टिविटी पे कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो हमें R2 आपको निकालना है, लेकिन इसका रेसिस्टिविटी तो सेम है क्योंकि वही मटेरियल है, इसका लेंथ कितना है L बाई 2 हो गया है और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना हुआ, डबल टाइम्स हो गया, यानी कि ये आप देखें तो रे और यहाँ 2 नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4 इंटू, ये तो यहाँ हो जाएगा 1/4, यहाँ पर क्या आ जाएगा रो एल बाई ए, तो यहाँ पे रो एल बाई ए का वैल्यू कितना है 8, तो यहाँ 8 पुट कर देंगे तो यहाँ इजिली साफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 ओम हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं एक बार और बता देता हूँ कि एक कंडक्टर है, इतना कुछ इसके लिए दिया गया, अब ये कह रहा है एक दूसरा कंडक्टर है वो R2 है, इसका लेंथ पहले से L बाई 2 है और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो बढ़ गया है, मतलब ये बराबर क्या हो जाएगा 2a हो गया है, ठीक है। A2 बराबर 2a1, मान लीजिए a1 है तो A2 बराबर 2a1 हो गया है, अगर ये a है तो यहाँ पर a डैश कितना हो गया है 2a हो गया है। तो हमने 2a L बाई 2 दूसरे कंडीशन में पुट कर दिया R2 को निकालने के लिए, तो यहाँ जो रो एल बाई अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हमने 8 इज इक्वल टू रो एल बाई ए रख दिया,
क्योंकि इतना दिया गया था आपको एक कंडक्टर के लिए, फिर दूसरे के लिए रेसिस्टेंस R2 निकालने के लिए जो भी वैल्यू चेंज हुआ है उसको हमने पुट कर दिया, और रोयल बाई ये आया, ये जिसकी वैल्यू हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं कितना 8, इसको हमने 8 यहाँ पुट किया, इसको जब हमने काटा तो कितना आया 2 ओम आ गया। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर एक आपका क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, तो हम अब रेसिस्टेंस पे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं स्ट्रेचिंग से रिलेटेड, उसके लंबाई बढ़ाने या घटाने से रिलेटेड मैंने सब कुछ बता दिया, कोई भी चीज़ इसमें छूटी नहीं है। ठीक है, अगर हो सकता है कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या कोई बातें समझ में नहीं आई हो तो भी कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा, हम ज़रूर उसको आपको रिप्लाई देंगे और आपको ज़रूर समझाएंगे। अब मैं आपको अब इसके बाद एक दो क्वेश्चन देता हूँ, आपको खुद उसे सॉल्व करना होगा, उसके बाद यह वीडियो समाप्त होगा। अगले वीडियो हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोचक होगा, क्या होगा अगले वीडियो में मैं अभी बताऊंगा। देखिए, ये आपके सामने दो क्वेश्चन दिया हुआ है, इन दोनों क्वेश्चन को आपको स्वयं सॉल्व करके इसका आंसर हमें बताना है। ठीक है, द डायमीटर ऑफ ए रेसिस्टेंस वायर इज हाफ्ड देन इट्स रेसिस्टेंस बिकम्स, ठीक है, और दूसरा है इफ़ लेंथ ऑफ ए वायर इज डबल्ड देन रेशियो ऑफ इट्स रेसिस्टिविटी, अगर मान लीजिए लेंथ को डबल कर दिया जाए तो उसके रेसिस्टिविटी का रेशियो क्या होगा। ठीक है, अभी दोनों जो है क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए मैंने दोनों को आपको सामने रखा हुआ हूँ। देखिए, अब पहले दोनों का मैं थोड़ा थोड़ा हिंट कर दे रहा हूँ, इसमें कोई भी स्ट्रेचिंग नहीं हो रही है, कोई भी खींचा तानी नहीं हो रही है, इसलिए खींचा ताने वाला रूल इसमें अप्लाई नहीं होगा। दूसरा देख लीजिए, रेसिस्टिविटी पूछ रहा है, नॉट रेसिस्टेंस पूछ रहा है, और रेसिस्टिविटी की वैल्यू क्या होती है यह केवल कंपोजिशन पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है मटेरियल के, अदरवाइज अन्य किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। इस प्रकार दोनों का मैंने हिंट दे दिया, अब इसको सॉल्व करना है आपको, सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो फिर हमारा अब नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बताऊं क्या होगा, ये नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा कि जब हम दो बल्ब को सीरीज में लगा देते हैं इक्वल वोल्टेज रेटिंग के, तो उसमें कौन सा बल्ब तेज जलता है, और जब डिफरेंट वोल्टेज रेटिंग का लगा देंगे तब कौन सा वोल्टेज तेज जलेगा। जब हम दो फिलामेंट लैंप को सीरीज में या पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तब आप बताएं तो उसमें कितना पावर कंज्यूम होगा, मान लीजिए 100 वाट के 200 वाट के दो बल्ब को सीरीज में जोड़ दिए तो टोटल कितना पावर कंज्यूम होगा, जब इनको पैरेलल में जोड़ दिए तब टोटल पावर कितना कंज्यूम होगा, विथ कंडीशन जब वोल्टेज रेटिंग सेम हो और जब वोल्टेज रेटिंग सेम ना हो, दोनों कंडीशन को मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, अक्सर लोग यही जानते हैं कि बस सीरीज में हमने जोड़ दिया तो कम वाट वाला पावर जो है, कम वाट वाला बल्ब जो है तेज जलेगा। क्यों तेज जलेगा भाई, क्योंकि उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, उसमें वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा, उसमें पावर लॉस ज़्यादा होगा, बस इतना है। लेकिन अगर वोल्टेज डिफरेंट हो जाता है आप वहाँ क्या करेंगे, सेम वोल्टेज रेटिंग पे तो इफ़ आप लिख सकते हैं, या सेम वोल्टेज रेटिंग पर ही तो आप लिख सकते हैं, या भी इसका यहाँ जब सेम वोल्टेज होगा तभी ना आप लिख देंगे आप पी इज इक्वल टू 1/r, ये सेम रहेगा तब ना, फिर प्रोपोर्शनल आप यहाँ लिखेंगे, लेकिन सेम ना रहेगा तब आप क्या करेंगे। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए आगे की बातें जानने के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, हम बने रहेंगे, बस आता रहेगा, धन्यवाद।